हमीरपुर से ब्रेकिंग न्यूज, छात्रा को निवस्त्र कर बेरहमी से दरिंदों ने की थी मारपीट। हमीरपुर के सिटी फॉरेस्ट में एक युवक के साथ गई छात्रा के साथ 6 से अधिक युवकों ने हैवानियत की हदें पार कर दी हैं। यही नहीं, इस घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। दरअसल एक छात्रा युवक के साथ सिटी फॉरेस्ट गई थी, तभी आसपास में रहने वाले युवक मौके पर पहुंच गए। युवकों ने कपड़े फाड़ कर छात्रा को निवस्त्र कर दिया और उसके साथ दरिंदगी की। डीएम व एसपी के बाद डीआईजी भी पहुंचे मुख्यालय के सिटी फॉरेस्ट पार्क। युवती के साथ हुई दरिंदगी मामले को लेकर डीआईजी ने घटना स्थल का लिया जायजा। लगभग आधा दर्जन लड़कों ने लड़की को निवस्त्र करके की थी मारपीट व वीडियो बनाकर किया था वायरल। पुलिस ने वीडियो के आधार पर 5 लड़कों को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पूरा मामला सदर कोतवाली इलाके का है। ये 18 तारीख को एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें कुछ लोगों के द्वारा जो है एक अज्ञात युवती और एक युवक के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था। उनसे चौथ वसूली की भी मांग की जा रही थी। उस घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया। सर, महिला अपराध के लिए जहां एक और शासन इतना सख्त है, तो वहीं जिला मुख्यालय से सटा हुआ इलाका है और इतनी बड़ी घटना हो जाती है कि खांसी का खौफ खत्म हो चुका है बदमाशों में। देखिए, ये फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ ऐसा नहीं है कि किसी का आना जाना सार्वजनिक रूप से हो। यह एक प्रतिबंधित क्षेत्र है और इसमें पुलिस की गश्त जो बीट आरक्षी हैं वो करते रहते हैं लगातार। कोई आदमी नज़र बचा के अगर घुसा है तो उस पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए इसमें कार्रवाई भी की गई है और स्थानीय पुलिस के द्वारा सक्रियता दिखाते हुए ही इस पर कार्रवाई की गई। सर, पीड़ित महिला अभी तक लापता है, मिसिंग है दोनों कपल, तो क्या कोई अनहोनी की संभावना भी हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। चूंकि इन लोगों ने वीडियो बना के और उसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की थी, तो वीडियो ही एक साक्ष्य है। पीड़ित महिला के द्वारा खुद भी कोई तहरीर नहीं दी गई, ना वो अपनी पहचान आकर तभी शक हो रहा है ना सर कि मिसिंग है, सामने नहीं आ रही है। मिसिंग नहीं, कोई अनहोनी की संभावना है? अगर अनहोनी की संभावना होती या ये घटना ये 2 दिन पुरानी बताई जा रही है तो अब तक जानकारी में जरूर आया होता। और अगर कोई जानकारी सम्मानित मीडिया के पास हो, उसे गोपनीय रूप से हमें शेयर करें ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। सर, इतनी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था का अगर फेलियर है तो जिम्मेदारी किसकी तय होगी? निश्चित रूप से घटना गंभीर है, और लेकिन एक पक्ष ये भी देखना होगा कि इतने एकांत में करीब इस भीषण जंगल में 150-200 मीटर अंदर कोई कपल आ रहा है तो उसके निहित उद्देश्य क्या रहे होंगे जो है, और इसके साथ ही उनकी सुरक्षा, जब वो खुद ही अपनी सुरक्षा खतरे में डाल रहे हैं। यहाँ अस्थायी रूप से पिकेट भी तैनात रहती है डायल 112 की, वो 2-3 घंटे पर हमेशा भ्रमण करती रहती है। तो हम पूरी तरह कोशिश करेंगे कि इस तरह के अपराधों पर और इस तरह की मनोवृत्ति वाले लोगों पर भी रोक लग सके और उनका शोषण करने वाले लोगों को भी पूरी तरह से हम लोग नैब कर सकें। सर, वायरल वीडियो में विदित है जिस तरीके से अश्लीलता और दरिंदगी को अंजाम दिया जा रहा है उस युवती के साथ, पीड़िता के साथ, तो क्या सर आगे विवेचना में जो धाराएं हैं वो और भी बढ़ेंगी, क्योंकि अभी 354B पे मुकदमा लिखा गया है? ये विवेचना का विषय है, इसके बारे में विवेचक की पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी प्रारंभिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं, यदि और साक्ष्य आते हैं तो धाराएं बढ़ाई और घटाई जाएगी। थैंक यू। हमीरपुर से अपडेट मीडिया के लिए शीलू कुमार की रिपोर्ट। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में, तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए। धन्यवाद।